भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली के मैदान में पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से काफी उम्मीद थी, जिन्होंने सभी फैंस को निराश किया और 11 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन जब भारतीय टीम के कप्तान ने टीम का साथ छोड़ा तो उस वक्त भारत को संभाला उप कप्तान KL राहुल ने। KL राहुल जो पिछले कई समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, आज उन्होंने अपने बल्ले से रनों का अंबार लगा दिया। आपको बता दें KL राहुल, जिन्होंने अपने आखिरी मुकाबले में बतौर कप्तान अर्धशतकीय पारी खेली थी, तो वहीं अब T20 अंतर्राष्ट्रीय में लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ दिया। KL राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 35 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। KL राहुल ने इस दौरान 4 चौके और 3 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 157.14 का रहा। आपको बता दें KL राहुल ने आज अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के 2000 रन भी पूरे कर लिए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में KL राहुल 2000 रन लगाने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं। KL राहुल ने न केवल बड़ी उपलब्धि हासिल की बल्कि टीम इंडिया को आज इस मुकाबले में बिखरने से बचाया। बता दें कि KL राहुल द्वारा लगाया गया ये अर्धशतक उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 18वां 50 है। KL राहुल ने आज सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए कुल 68 रनों की साझेदारी की। दोनों के बीच इस साझेदारी के चलते टीम इंडिया ने जो पहले 2 विकेट जल्दी गवाए थे, मुकाबले में उससे अच्छी वापसी की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।